दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं हम ढेर सारी सब्जियां ऑर्गेनिक जहर मुक्त, वो भी अपनी छत पर और कम से कम खर्च में यानी जीरो बजट में। तो दोस्तों आइए चलते हैं, उगाते हैं हम ढेर सारी सब्जियाँ। और दोस्तों दोस्तों राम राम। दोस्तों अभी सिर्फ सुबह हुई है, मतलब 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ी सी सब्जियां ले लें। दोस्तों आज मैं तोड़ूंगी पालक और बनेगी पालक की सब्जी। गर्मियों में दोस्तों भाजी बहुत अच्छी लगती है, तो भाजी गर्मी में होती भी है, पालक तो नहीं होती है, बस मेरी बची हुई है जैसे तैसे करके। बाकी भाजियाँ लाल लाल चौलाई करमता ये सारी भाजियाँ, ये खेड़ा, ये भाजियाँ जो है गर्मी में होती हैं। दोस्तों नौतप्पा चल रहा है, बेहद गर्मी है, तो अभी क्या है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद या 10 दिन के अंदर ही पानी गिरने वाला है। तो दोस्तों आप लोग भी कर लें तैयारी अपने गार्डन में बारिश के लिए, ताकि बारिश में, क्योंकि बारिश में मिट्टी स्टिकी हो जाती है और हमको सूखे पत्ते भी नहीं मिलते हैं। सूखे पत्तों की ढेर सारी खाद बनाएं आप, ताकि आपके पौधे इन्हीं आपके ही घर के आसपास की चीज़ों से लहलहाएंगे, आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कि लाना पड़े। दोस्तों एक पेड़ ये चौलाई है इसमें, और एक पेड़ ये कितनी बड़ी हुई है आप देखिए, बहुत बड़ी एक पेड़ चौलाई। इसको जितना तोड़ते हैं ना उतना ही ये फैलती है। तो दोस्तों आप पालक और चौलाई का टेस्ट लगभग एक जैसा होता है और गुण भी एक जैसे रहते हैं, चौलाई में भी बहुत पौष्टिकता होती है। दोस्तों ऑर्गेनिक का तो कोई मोल ही नहीं है, हमारे अंदर जो जहर जा रहा है खासकर वेजिटेबल के द्वारा और लीफी वेजिटेबल, क्योंकि ये पत्तों में जब जहर जाता है वो पत्ते सीधे हमारे अंदर जाते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाइए बहुत आसान तरीके से। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रासायनिक जहर से बचना चाहते हैं तो अपने घर पर उगाएं ढेर सारी सब्जियां। हमारे अंदर खासकर लीफी वेजिटेबल से ढेर सारा रासायनिक खाद और रासायनिक जहर अंदर जाता है, उससे बचने के लिए आप पालक भी घर में उगाएं। पालक को आप सीड से उगा सकते हैं, 30 से 40 दिन में इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। पालक के लिए थोड़ी रिच मिट्टी चाहिए, खाद वाली मिट्टी चाहिए, और साथ में बेल ड्रेन होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी मिट्टी बेल ड्रेन है तो आप बारिश में भी पालक आराम से उगा सकते हैं। अभी ये मई है, 26 मई, और 26 मई को मैं इस तरह से पालक तोड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में मतलब पालक इस तरह से बचे रहना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप भी उगाएं सब्जियाँ, पालक, अभी तो ढेर सारी सब्जियाँ, बारिश आ रही है, तैयारी कर लीजिए और 10 दिन बाद ढेर सारी सब्जियाँ आप उगा सकते हैं। अब आप चाहें तो अभी पौध तैयार करके और फिर बाद में उन सब्जियों को उगा सकते हैं बारिश के बाद। इतनी सारी सब्जियां हमने पालक तोड़ ली, यकीन मानिए दोस्तों मैं कोई भी सब्जी बाहर से नहीं खरीदती, अपने छत से ही मैं ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट। दोस्तों पालक बहुत आसानी से उगने वाली वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल, आप अपने घर में ही इसको उगा सकते हैं। ये सीड से उगती है, 30 से 40 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार उगाकर इसको कई बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, बस इसकी थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है। आपकी मिट्टी बेल ड्रेन होना चाहिए और रिच होनी चाहिए, आप पूरी बरसात में भी पालक उगा सकते हैं।
दोस्तों, पेड़ पौधे हमारी आँखों को सुकून तो देते हैं, हमको गर्मी से भी निजात दिलाते हैं। यकीन मानिए, और जगह से हमारे घर में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। जैसे मैं जब बाहर निकलती हूँ और जब सिटी की तरफ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और जैसे ही अपने घर में आती हूँ बड़ा सुकून मिलता है। वैसे तो घर अपना सुकून वाला होता ही है, सबको सुकून लगता है, लेकिन घर का वातावरण अगर इस तरह से थोड़ा सा आप ठंडा रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़े बहुत आप वेजिटेबल उगाइए और थोड़े बहुत ऐसे खूबसूरत फूल भी उगाइए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपने घर से ऊपर छत पर आती हूँ तो पहली छत हमारी यही पड़ती है। अक्सर आप देखे होंगे कि मैं आपको अपने पौधे यहाँ के दिखाती हूँ, इसके बाद ऊपर की छत में वेजिटेबल लेने जाते हैं। दोस्तों, नीचे की छत में मैंने ज़्यादातर ये फूल लगाए हुए हैं और ज़्यादातर बोगनवेलिया लगाया हुआ है और थोड़ी बहुत ऐसे वेजिटेबल भी लगाया हुआ है। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से आप लोग भी वेजिटेबल उगा सकते हैं। और ये ज़्यादा फूल हमने उगाया है यहाँ ऊपर की छत में, हमने वेजिटेबल उगाया है और अडेनियम वगैरह भी हमने ऊपर की छत पे उगाया है। ये हम तीसरी बार इनमें से फूल ले रहे हैं दोस्तों, अभी शुरुआत हो रही है इनमें फूल निकलने की। ये पूरा फूलों से भर जाएगा तो ऐसा लगेगा आपको शाम के टाइम में कि यहाँ से हटे ही ना। तो दोस्तों, वाइट भी है, जब से खिला है तो ये खिलता ही रहा, बहुत छोटा सा पौधा है। बाकी ये जो है दो बार तीन बार खिल चुके हैं, अब फिर से ये पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार हैं। देखिए, तो दोस्तों, थोड़ी सी देखभाल और थोड़ी सी मेहनत हमारे घर को खूबसूरत और शीतल बनाती है, ठंडक हमारे घर में रहता है। और हमको इस तरह से फूलों के लिए कहीं भटकना, अभी ये पूरे खिल जाएंगे, अभी ये सुबह है ना, इसलिए उतने नहीं खिले हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं और खिल जाते हैं। इसमें भी देखिए ढेर सारे फूल ये खिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों। कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट भी आप उगाएँ, जैसे ये लेमन ग्रास है, एक एक छोटी सी जड़ के साथ इसको लाएंगे आप, फिर ये पूरा आपका पॉट भर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों शुरुआत करें और आप भी उगाएं ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारे फूल पौधे। तो आइए चलते हैं, सब्जी तो आज हमने ले लिया नीचे वाली ही छत से, तो आइए चलते हैं अब ऊपर की छत पर और वहां हम आपसे आपको मिलवाते हैं अपने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट से, जो आजकल हम ढेर सारे काम कर रहे हैं। कारण वही है कि बारिश आने वाली है दोस्तों। देखिए हमारा ये, देखिए पूरा तो इधर से दिख नहीं पाता, लेकिन कितना कितना अच्छा लगता है दोस्तों। और ये चौथी बार खिल रहा है, खिलता है इसके बाद झड़, मतलब दो महीने ढाई महीने बाद झड़ते हैं इसके बाद फिर। तो दोस्तों, इसको ज़रूर लगाएं, ये कंटिन्यू फूल देता है, इसके बारे में मैं आपको विश्वास दिला सकती। ये हम आ गए ऊपर की छत पे, जहाँ से हमको ढेर सारी वेजिटेबल मिलती है। लीफी वेजिटेबल दोस्तों हमें बहुत पसंद है और गर्मी में तो बहुत ही अच्छी लगती है। दाल चावल और अगर भाजी मिल जाए तो हमें तो कुछ और नहीं चाहिए। कई लोग हो सकता है भाजियाँ ना पसंद करते हों, लेकिन हमें पसंद है। इस तरह से जैसे ये लाल भाजी है, देखिए इस कंटेनर को हमने तैयार कर लिया है। जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि अपने कंटेनर को सब बारिश में तैयार, बारिश के पहले तैयार कर लीजिए ताकि बारिश में दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये वाला भी भाजी तोड़कर इसको भी हम तैयार करेंगे और इसी तरह से हम सारी तैयारी करेंगे। दोस्तों, लीफी वेजिटेबल में एक करमत्ता बहुत फेमस है यहाँ छत्तीसगढ़ में, और मैंने देखा है कि फॉरेन कंट्री में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो इसका ऐसा है कि अगर आप एक बार इसको उगा देते हैं, फिर आप खाते रहिए, तोड़ते रहिए, काटते रहिए, ये सालों साल ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। वो साल भर से, मतलब डेढ़ साल हो रहा है उस करमत्ता को उगाए हुए, बस हम काटते रहते हैं और वो होते रहता है। और ये वाला इसको साल भर हुआ हमको उगाए हुए। तो कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं कि अगर आप एक बार उगा देते हैं तो आपके यहाँ ढेर लग जाएंगी, आप खाते रहिए, वो ख़त्म नहीं होंगी। जैसे ये है जिमीकंद, थोड़ी सी यहाँ से चौलाई ले लेती हूँ दोस्तों, बहुत सुंदर दिख रही है। चौलाई का ऐसा है या सभी सब्जियों का ऐसा है कि तोड़ते रहेंगे ना तो और अच्छी होती हैं। तो इस तरह से अगर ये, हाँ ये जिमीकंद है, आपने देखा होगा इस साल जिमीकंद 8-8 केजी के जिमीकंद हमने ऐसे कंटेनर से निकाला है। मतलब इतना ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि अरे जिमीकंद कैसे होगा छत पर, तो छत पर हमने 8-8 केजी के जिमीकंद को निकाला है। इसमें से इतनी ककड़ियाँ खाई हैं, अभी भी लगातार ककड़ियाँ हो रही हैं। अब इसमें देखिए ये बीन्स वगैरह भी
मतलब कई पौधों का मैं वो करती हूँ ना, तो देखिए बीन्स कितनी बड़ी वाली बीन्स है, ये भी होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों बम्पर पैदावार के लिए पूरी तरह से आप अगर डिपेंड होना चाहते हैं अपनी छत पर, बाहर के बिल्कुल सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, तो आपको एक सिस्टम से चलना होगा, आपको एक तरीके से चलना होगा। सब्जियां हर तरह की सब्जियां आपको उगानी होगी जो आपके घर में लोगों को, आपके परिवार को पसंद हो। सब्जियों के मतलब सब्जी उगाने से पहले उसकी तैयारी करनी होती है, उसके कंटेनर तैयार करने होते हैं, उसकी पौध तैयार करनी होती है, तो आप अभी से उसका सब कुछ तैयार करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इतने करेले फल रहे हैं कि हमको मार्केट जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे गुच्छों में करेले लटके हुए हैं दोस्तों, जबकि इतने करेले हमने तोड़े हैं, उसको अभी हमने बनाया भी नहीं है, क्योंकि रोज़ सब्जियाँ कुछ न कुछ घर से निकलती हैं, और इसके बाद अभी देखिए फिर से ऐसे करेले लटकने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों पहले मैं अपनी वेजिटेबल आपको दिखा दूं, क्योंकि वेजिटेबल ही मेरी प्राथमिकता है, उगाती मैं सब कुछ हूँ, मुझे फूलों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वेजिटेबल मैं ज़्यादा उगाती हूँ। दोस्तों मैं कई तरह की लौकी लगाई हूँ, जैसे ये देखिए ये गोल लौकी है, दिख रहा है क्या, दिखा क्या, ये गोल लौकी है, और मैं आपको दिखा रही कि किस तरह से लौकी हमारी इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग करना शुरू करी है, और मतलब गोल है और कई तरह की, ये देखिए कुंदरू देखिए दोस्तों, ऐसे गुच्छों में फला हुआ है, कैमरा कहीं और रखती हूँ और आपको बोलती हूँ, कुंदरू देखिए ऐसे गुच्छों में, अभी मैंने 2 दिन पहले ही 1 kg कुंदरू तोड़ा था। तो इसमें एक बेल आप अगर लगाते हैं तो ये आपको कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बल्कि इसकी बेल और बढ़ती जाएगी और जगह पर ये तैयार होते जाएगी। अब ये देखिए लौकी है, ये हमारी देसी लौकी है दोस्तों, एक बार लगाते हैं हम लोग इसको और 8-6 महीने से ऊपर तक इसको खाते हैं, ये फलता जाता है। देसी सीड्स होता क्या है दोस्तों कि थोड़ा लेट से फलता है, लेकिन बहुत दिन तक आपको वो फ्रूटिंग देता है। जो मार्केट के जो हम लाते हैं हाइब्रिड और ये सारे, तो एक बार वो आपका 2-4 फलेंगे और इसके बाद वो पौधे जल जाएंगे और आपको फ्रूटिंग नहीं देंगे। तो कोशिश करिए कि आपको देसी दुकान में, तो पता नहीं दुकान में भी बोलिए कि हमको देसी चाहिए। ये देखिए कुंदरू कैसे हमारे फले हुए हैं। अब ये समझिए कि मेहनत एक बार उगाने की मेहनत है, इसके बाद ये बराबर आपको फल देते रहेंगे और आप खाते रहेंगे। ये देखिए, तो आपको इस तरह से सिस्टम से चलना होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ उगाना होगा इस तरह से, नहीं तो मतलब लकड़ी का या कुछ भी ऐसे इनको फैलने की एक जगह देनी होगी। इतने कुंदरू दिख रहे हैं आज तो, क्योंकि अब भी तोड़ा था और फिर इतने सारे कुंदरू। पोई एक ऐसी भाजी है जो एक बार आप उगाएंगे और पूरे साल इसके इतने बड़े बड़े पत्ते, मैं एक तोड़ कर दिखा रही हूँ, मैं पालक में ही मिला दूंगी, दिखा रही हूँ दोस्तों। इसके पकौड़े बनाइए, चीले बनाइए, या सब्जी बनाइए, भाजी बनाइए, कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ पे देखिए इनके पत्ते। एक बार आप उगाते हैं ना तो इसको पूरे साल खाते रहेंगे, और इसके बाद इसमें फूल आता है और इसके बाद सीड बनते हैं, सीड्स को कलेक्ट करके फिर से आप उगा दीजिए। तो इस तरह से ये आपका चलता रहेगा। बैगन एक बार आप लगाएंगे तो वो साल भर फलता रहता, हम तो खा भी नहीं पा रहे हैं बैगन दोस्तों। मैं पिछले साल इतने बैगन लगाई थी कि एक एक बोरा निकलता था, इसलिए हमने सोच लिया था कि इस साल हम बैगन बहुत कम लगाएंगे, लेकिन कम लगाने के बाद भी ये इतने फलते हैं। आइए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से, देखिए अब इसको हम तोड़ नहीं पाए, इसके पत्ते भी सूख रहे हैं दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है, पर ठीक है 10 दिन बाद बारिश होगी। इस कंटेनर में दोस्तों लगा है करेला, और इतना फलता है कि इसमें सिर्फ करेला करेला दिखता है और कुछ नहीं। टमाटर दोस्तों अभी तक हम टमाटर की फ्रूटिंग ले रहे हैं इतनी गर्मी में भी। तो इसलिए अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो आपको ढेर सारी सब्जियां, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे गार्डन में क्या नहीं है, मुझे किस चीज़ के लिए मार्केट जाना चाहिए आप बताइएगा। ये हमारी सारी पौध तैयार हो रही है, टमाटर, मिर्ची, बैगन और फूलों की, और इस तरह से ये मिर्ची देखिए हमारी कैसे गुच्छों में फली हुई है। इसमें हमने हल्दी उगाई हुई है, जो ये देखिए हल्दी का ये पत्ता है, जो पहचानते होंगे। हल्दी और अदरक थोड़ा सा टाइम लेता है अंकुरण होने में, बल्कि जिमीकंद जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन ये 2 चीज़ें थोड़ी सी टाइम लेती हैं, लेकिन जब होती हैं तो फिर बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारी मास्टर भाजी है, एक बार इसको लगाएंगे साल भर खाएंगे। और
इसमें मैंने डबल पेटल अपराजिता का सीड्स डाला है, ये हमारा जेट प्लांट का। कुछ पौधे जो है हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे शुभ होते हैं, हालांकि मैं किसी पौधे को बोलूंगी कि शुभ नहीं होता है, सारे पौधे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ सेहत के लिए अच्छे होते हैं, कुछ ग्रह दोषों के लिए अच्छे होते हैं, तो इसलिए हर तरह के पौधे दोस्तों उगाना चाहिए। इसमें हमने कुछ नहीं उगाया है, अपने आप ये भाजियाँ उगी हुई हैं, बस हमने इसका कंटेनर तैयार करके रखा हुआ है। जैसी हम हल्की सी बारिश होगी इनमें हम सब्जियाँ उगाना शुरू करेंगे। ये है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, इसके सीड्स हमने डाले हैं, जैसी बारिश होगी इसको हम गमले में उखाड़ कर लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आप सही टाइम पर तैयारी करते हैं ना, तो आपको कहीं पौधों के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है अदरक, अदरक मतलब अभी ये अंकुरण ही हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कल दोस्तों हम गए थे कहीं गन्ना जूस पिए, मार्केट गए थे गमले लेने के लिए, तो फिर हमने कहा उसको कि तुम हमसे पुदीना ले लेना, यूं ही मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको जितना आप काटेंगे ना उतना ही अच्छा ये होगा। उधर हमारे टमाटर पके हुए हैं, ये हमारी मिर्चियां हैं, जैसी पहली बारिश इनमें होगी ऐसे लहलहा कर बाहर आएंगी कि आप देखिएगा। बारिश जो है वो अमृत का काम करती है दोस्तों पौधों के लिए। मैं तो जैसी बारिश शुरू होती है ना तो इंडोर प्लांट की तरफ भागती हूँ और उनको भी मैं बाहर रखती हूँ कि इनमें भी अमृत की बूंदें पड़ जाएं। दोस्तों इसमें खीरा, ककड़ी, सेम, कई तरह की सेम, पोई, करेला, ये सारी चीज़ें इसमें हम एक पौध तैयार कर रहे हैं ताकि बारिश के बाद हमको कहीं भटकना ना पड़े। अब जैसे इसमें देखिए लौकी, तुरई, ये यहाँ भी एक खीरा लगा हुआ है, खीरे हैं, करेला है, इस तरह से हम मतलब ढेर सारी इसमें हम बेल वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार कर रहे हैं ताकि बारिश होने पर हमको यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े और हमको जहाँ उगाना है हम उठाकर इनको उगा दें। अभी भी हमारे पास देखिए गर्मी वाले इतने सारे ऐसे फ्रूटिंग कर रहे हैं, ये देखिए, मतलब मुझे सब्जियों की कमी क्यों होगी आप बताइए। ये हमारे फ्रूटिंग बंद नहीं करे और हमने नई खेप की शुरू तैयारी शुरू कर दी, तो ये हमारा फ्रूटिंग चलते रहेगा तब तक हमारा वो वाला फ्रूटिंग आ जाएगा बारिश में, जो हम बारिश के लिए जो पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सिस्टम से तैयारी करी है और बहुत टाइम से तैयारी करी है। दोस्तों खैर ये लौकियाँ तो हमारी पूरे साल फलती हैं, लेकिन मैं बीच बीच में और लौकियाँ लगाते रहती हूँ ताकि हमको दिक्कत ना हो और हमें सब्जियाँ मिलती रहें। अब जैसे इसमें लौकी भी ऊपर जा रही है और सेम भी। दोस्तों सेम का अगर एक पौधा आप लगाते हैं ना तो आप उसको बरसों बरस खा सकते हैं, बस उसको जड़ से उखाड़कर मत फेंकिए, बस उसको कोड़कर थोड़ी खाद पानी दे दीजिए, वो चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक बल्ब जैसे बनता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उखाड़कर फेंक देते होंगे। तो ये मतलब कि अगर पौधा सूख भी जाता है तो जैसे इसमें बारिश के पानी पड़ता है ये अपने आप तैयार हो जाता है, इसलिए सेम के दो तीन तरह का सेम आप उगाइए। दोस्तों देखिए ये है हमारा कंपोस्ट बनाने का जगह, ज़्यादातर तो हम अपने कंटेनर में ही कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन अगर कंटेनर हम नहीं भर रहे हैं उस टाइम पे तो इस तरह से हम अपने जो भी गार्बेज किचन वेस्ट इसको इसमें डालते हैं और एक लेयर मिट्टी की डालते हैं, तो ये अपने आप हमारा गार्डन भी साफ रहता है आप देखिए, और ये कंपोस्ट भी हमको फ्री की मिलती रहती है, देखिए कितना साफ है ना। तो इस तरह से हमारा मन लगता है दोस्तों साफ सुथरी जगह पे, और साफ सुथरी जगह अगर आप रखते हैं तो कीड़े मकोड़ों का भी अटैक नहीं होता है आपके पौधों में, ज़्यादातर तो इसीलिए अटैक होता है क्योंकि उनको जगह मिलती है पनपने की, और थोड़ा बहुत तो होता ही है, वातावरण का असर होता है, कभी तेज़ गर्मी, कभी तेज़ ठंडी, कभी बादल वाला मौसम, तो इसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों ये देखिए हमारे अडेनियम भी कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वेजिटेबल उगाई हूँ, मैं ढेर सारे पौधे उगाई हूँ देखिए दोस्तों, और जो ये पौधे के पौधों के शौकीन होते हैं ना इनका ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब कल समझिए कि मैं कितने गमले लेकर आई हूँ, 25 लिए ना दोस्तों, कल मैं 25 गमले लेकर आई हूँ, और इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है, हमने पौध तैयार करी थी तो उसमें जो है मतलब क्या कहें नर्सरी, तो उसको उठाकर अब मैं उनको गमले दूंगी क्योंकि वो बहुत बड़े हो रहे हैं तो उनको अब धूप चाहिए, हल्की छाया वाली जगह में हमने किया हुआ है। तो दोस्तों 25 गमले लेकर आई हूँ 12 और 10 इंच के, क्योंकि शुरुआत के लिए 12 इंच बहुत होता है, पर्याप्त होता है, और 10 इंच भी शुरुआत के लिए बहुत होता है। तो इस तरह से हम लेकर आए हैं ढेर सारे गमले, और हमारी टोपियारी कितनी अच्छी लग रही दोस्तों, गमले हमारे पास थे नहीं, हम बहुत कुछ करना चाहते थे, फिर इतनी भरी गर्मी में मैं गमले खरीदने दोस्तों गई हूँ, आप सोचिए पौधों का प्यार एकदम ऐसे लगे बेहोश हो जाऊंगी। तो ये स्थिति है अभी गर्मी का,
तो दोस्तों हमको थोड़ा सा अपने अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को हम ज़्यादा अगर नहीं कर सकते, पूरे दुनिया में अगर पौधे नहीं लगा सकते, तो कम से कम अपने एरिया को, अपने आसपास की जगह को तो अच्छा रख सकते हैं ना। बोलते हैं ना कि मतलब अगर सुधार करना है तो मोहल्ले और समाज से सुधार करिए, इसके बाद प्रदेश और देश तक जाइए। ये देखिए, कल हमने जो टोपियारी बनाई थी तो कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों। थोड़ी सी हमारी मेहनत जो है हमको कितना सुकून देती है। हमारे कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और उनके बांसुरी की धुन को सुनकर ये सारे पशु पक्षी जो है उनके पास आके एक एक बस क्रिएट किया है। और साथ में हमने ये लगा दिया है परचुलाका। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं बोल नहीं पाती और मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं बोल नहीं पाती। 9 o'clock बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, तो चलिए छोड़ते हैं उसको, हम बोलते हैं 9 o'clock। तो दोस्तों कई कलर के 9 o'clock हमने छोटे छोटे लगा दिए हैं, इनकी कटिंग करती जाऊँगी। अब जब ढेर सारे 9 o'clock खिलेंगे और कृष्ण भगवान बांसुरी बजाएंगे और ये पशु पक्षी जो है सुनने आएंगे फूलों के बीच में, तो कितना सुंदर लगेगा। अब बाकी हमारी ये टोपियारी तो खिलेगी ही, तो टोपियारी हमारे ऊपर जाकर खिलेगी। सोचा है कि यहाँ घंटी या कुछ ऐसा लगा दूंगी, टाइम नहीं मिला, कल बहुत व्यस्त थी मैं। तो इस तरह से दोस्तों हम ढेर सारा उगाते हैं वो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, आइए चलते हैं कि किस तरह से आप ढेर सारे फूल अपने अपराजिता से ले सकते हैं। बाकी आप इनको तो एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं, जो हमारे अडेनियम हैं, हमारे जेट दोस्तों जेट प्लांट का एक छोटा सा इतना बड़ा मैं भाजी लेकर घूम रही हूँ, आपके अंगुल बराबर 100-150 में जेट प्लांट का देते हैं। आपके यहाँ हो सकता है 80-90 में मिलता हो, लेकिन नर्सरी अगर थोड़ी अच्छी है तो बहुत महंगा देते हैं, 100-150 में देते हैं, तो क्यों खरीदना। मैं तो न जाने कितने लोगों को देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि जेट को नहीं बांटना चाहिए, लक्ष्मी का पौधा है। क्या हुआ अगर सामने वाले के घर में भी लक्ष्मी हो जाएगी तो हमें क्या तकलीफ है। ये देखिए ढेर सारे हमने जेट प्लांट की टोपियारी बनाई है। दोस्तों हमारे पास गमला नहीं था, अभी गमला आ गया है तो हम और भी ढेर सारी टोपियारी बनाएंगे। देखिए सब पौधा हम इसकी छोटी सी कटिंग भी दोस्तों हम नहीं फेंकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने हाथों का वेजिटेबल रख दूँ, इसके बाद आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बता। तो दोस्तों ये है हमारी ब्लू कलर की अपराजिता सिंगल पेटल, हमको डबल पेटल भी मिल गया है। तो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ आई हूँ, मतलब इसको दिखाना चाह रही हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं अपराजिता हमारे घर के लिए बहुत शुभ होती है, तो इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए ये अभी बहुत सही टाइम है इसकी प्रूनिंग का। प्रूनिंग यानी ऐसा आपको इसको कट नहीं करना है, बस आपको इसको यहाँ से ऐसे पिंच करते जाना है, जैसे ये ऊपर का जो इसका टॉप है तो ये ढेर सारे इसके ब्रांचेस निकलेंगे और ये जो है ढेर सारा, जितने ब्रांचेस उतने फूल। तो दोस्तों इसका बना रही हूँ मैं बोनजाय, आप ये देखिए कितना मोटा पौधा है। ये पिछले साल का है, ये डोरमेंसी में था पूरे मतलब उस टाइम पे जब ठंड का टाइम था उस टाइम पे डोरमेंसी में था। अब ये इस टाइम पे अपराजिता डोरमेंसी से बाहर आता है, ये अपराजिता के लिए बहुत सही टाइम है। इस टाइम पे इसमें बाहर आ जाती है फूलों की, ये देखिए किस तरह से कितने सुंदर सुंदर शंखनुमा फूल खिले हुए हैं। दोस्तों इनको आप भगवान को भी चढ़ा सकते हैं और इनके सूखे फूलों को या गीले फूलों को आप चाय में डाल सकते हैं, ब्लैक टी में डाल सकते हैं, गर्म पानी में डालकर इनको पी सकते हैं। ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मार्केट में ये हजारों रुपए केजी मिलते हैं अपराजिता के सूखे फूल। तो दोस्तों इस तरह से इन फूलों को कलेक्ट करिए और थोड़ी सी इसकी देखभाल करते रहिए, थोड़ी सी कोड़ाई करके इनमें डाल दीजिए खाद पानी। ये आपके पौधों को ये एकदम लहलहा उठेगा और ढेर सारा फूल इसमें आएगा। अभी आप देखिए कितना फूलों का इसमें बहार आया हुआ है। अभी इसकी सेवा मैं करूंगी, अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं थोड़ी देर में इसके लिए करूंगी क्योंकि काम करते नहीं बनता है, तो मैं अभी सिर्फ वीडियो शूट कर रही हूँ, इसके बाद इसकी मैं करूंगी सेवा। तो दोस्तों इसके बाजू में ये वाइट और ब्लू दोनों है और इसमें ये सिर्फ ब्लू है, इसमें और भी पौधे मैंने बीज डाले थे, ये देखिए ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इनको मैं साइड से इनको हटाऊंगी नहीं, इसमें चढ़ा दूंगी या कहीं जगह दे दूंगी। इसको बना रही हूँ मैं बोनजाय, यानी ये खराब ना हो क्योंकि एक टाइम में सूख जाते हैं, तो अगर हम इनको बोनजाय बनाकर इनकी देखभाल करते हैं तो ये बचे रहेंगे। तो
इस तरह से दोस्तों अपनी अपराजिता का आप देखभाल कर सकते हैं। सीड से तैयार होता है। अगर आपको ऐसे पौधे मिल जाएं जो कि हमारे पास ढेर सारे निकल रहे हैं, हमने सीड डाले थे, तो आप पौधों से भी इनको उगा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पौधों को सावर कराते हुए दोस्तों दोनों टाइम पानी डालें, क्योंकि अगर हम 10 दिन इनको बचा लिए तो फिर हमारी बगिया फिर से लहलहा उठेगी। अपराजिता को भी दोस्तों ऐसे सावर कराते हुए पानी डालें, पौधों को बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा इनका टेम्परेचर तो कुछ कम होगा। अब धूप में तो पानी नहीं डालना है, धूप में पानी बिल्कुल मत डालिएगा, पौधे शौक में चले जाएंगे। जैसे इंसान बहुत तेज़ धूप से आकर अगर नहा ले तो बीमार हो सकता है, ऐसे पौधों के साथ भी होता है। तो इस तरह से वेजिटेबल पाने के लिए दोस्तों आप भी इसी सिस्टम से अपनी सब्जियों को उगाएं। दोस्तों करेला तो ऐसे बम्पर बम्पर पैदावार देखिए, ये हम मतलब इतना इतना है ये कि हम थक जाते हैं खाते खाते। ये पोई है, इस तरह से पोई हमारी आगे बढ़ती जाएगी और उसमें ढेर सारी पत्तियाँ, ये पत्तियाँ ही इसकी सब्जियाँ हैं दोस्तों, इसकी सब्जी है। इनको आप तोड़ते जाएंगे, हार्वेस्ट करते जाएंगे और इसमें ढेर सारी ये और पत्तियाँ निकलते जाएंगे। देखिए हमारे पास तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये पोई है, ये देखिए। तो दोस्तों हमारा गार्डन आपको अगर अच्छा लगा हो, हमारी वेजिटेबल अच्छी लगी हो, हमारे फूल अच्छे लगे हों और हमने जो कुछ भी बताया आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ताकि आपको ढेर सारी जानकारी समय समय पर देती रहूं मैं, और समय समय पर आपको मैं अपडेट देती रहूं कि इस समय आप क्या वेजिटेबल उगाएंगे। तो दोस्तों आज हमें बहुत काम है। आज हमारी हमने जो कुछ पौधे लौकी के नीचे लगाए हुए हैं, दो तीन तरह की लौकी, तो वो इधर उधर भटक रही है, ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, तो आज उसको हम चढ़ाएंगे ऊपर छत पर, ताकि वो यहाँ आकर उसके पास फैलने के लिए जगह है तो अच्छे से फैलकर फ्रूटिंग करे, क्योंकि दीवार पर कितना फैलेगी, और वो फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है, तो इसलिए आज उसको हम करेंगे काम। कल हम रस्सी लेकर आए हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे हमारी ये लौकी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी छत में, मतलब गोल, और इस तरह से कई तरह की लौकियां लगाई हूं मैं, लेकिन सब देसी। आप ध्यान से देखिए, मार्केट में तो हमको नहीं मिला कभी, हमारे घर से ही सीड्स हैं, यानी हम अपने घर से लेकर आते हैं, घर यानी गांव। तो दोस्तों ये देखिए, मोबाइल ठीक से पकड़ना पड़ेगा नहीं तो मैं हाथ से छोड़ दूंगी। तो ये देखिए हमारी जो लौकी है ना, बहुत सुंदर आ रही है। ये देखिए वो, एक मिनट, आपको दिख रहा क्या ये? ये ऊपर चढ़ रही है, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिरने लगती है, तो इसको हम रस्सी से इसके मतलब ऊपर के भाग को बांधकर और धीरे धीरे रस्सी से हम ऊपर खींचकर जहाँ तक आएगी वहाँ तक उसको लाएंगे। तो इस तरह से हम ऊपर चढ़ाएंगे। अगर ये एक बार ऊपर चढ़ गया तो फिर ये इतनी फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि इसको बेल वर्गीय सब्जियों को जितना फैलने के लिए जगह मिलता है ना, उतना ही वो फ्रूटिंग। देखिए दोस्तों भरी गर्मी में किस तरह से हमारे ये फूल खिल गए। जब हमने अभी सुबह आपको दिखाया ना, तो ये खिले हुए नहीं थे, खिलने वाले थे। देखिए कितना सुंदर। तो दोस्तों अब मैं डालूंगी यहाँ पानी, क्योंकि दोनों टाइम पानी अभी इस टाइम पे डालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पालक तोड़ने के बाद इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी होती है। जैसे ये चौलाई का पौधा हो गया है, ये पालक में नहीं चाहिए, इसको हम हटा देंगे। ये देखिए खाद लेके आई थी, वो खाद गिर गई, खैर भिंडी के ही उसमें गिरी। अब ये जो इसके स्टेम है ना, ये मोटे मोटे, इनको हमको ऐसे कट कर देना है। ये देखिए ऐसे हटा देना है, ऐसे करके इस तरह से पुरानी और सूखी हुई पत्तियों को आप हटा दीजिए। जैसे जिसमें फल आ गया है, ये सारी पत्तियों को ऐसे आप साइड कर दीजिए। और अभी देखिए आपका साफ सुथरा ये दिख रहा है, जो भी घास या कुछ भी आपको नजर आए सबको हटा दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए खाद, जो भी आपके पास खाद हो। ऐसे ये अगर ढक जाता है ना, तो इसकी चिंता ना करें कि ये ढक गए इसके पत्ते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए अब इसको डाल दिया हमने। अब इन पत्तों को हम अच्छे से ऐसे वॉश करेंगे और ये खाद जो है नीचे जाकर बैठ जाएगी। अब इसको चार दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमारा पालक लहलहाएगा इस गर्मी में भी। तो इतनी देखभाल पौधों की ज़रूरी है दोस्तों, खासकर लीफी वेजिटेबल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए पत्ते हमारे धुल गए, बस इस तरह से। एक और है फालतू इसमें पौधा, इसको सबको आप हटा दीजिए।
जो भी आपको फालतू पौधे दिखें, क्योंकि आपके क्यारी से ये पोषण लेंगे। ये हल्दी का पौधा है, इसको मैं बाद में हटाऊंगी। ये हो गई इसकी। तो दोस्तों, जो पालक के ये मोटे पत्ते निकलते हैं ना, चंदू को पालक बहुत पसंद है, इसकी माँ को उतना पसंद नहीं है। तो मैं ये पालक, इसको कई बार तो अच्छे पालक भी ला कर देती हूँ, जब ये भूखा रहता है और इसको घास खानी रहती है, तो इस तरह से ला कर मैं, तो ये सब इस चबा जाएगा दोस्तों बैठे बैठे। ये देखिए, ये मेरा चंदू। तो दोस्तों, क्या काम बाकी है ये बताती हूँ मैं आपको। देखिए, इसको हमने इसमें चढ़ाया, वो देखिए वो बनाया, लेकिन ये कुछ दूर जाकर ये इस तरह से ढलने लगे, गिरने लगे। देखिए, और कितनी ब्रांचेस हैं इसमें। और दोस्तों, यही फ्रूटिंग करने वाली ब्रांच है। लौकी में जो मेन जैसे निकलता है, तो उस टाइम पे सिर्फ फैलता है, बाद में फिर इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं उसी में फ्रूटिंग होती है। धूप के कारण ये सूख गया है, लेकिन ये ब्रांचेस फ्रूटिंग वाली हैं। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ, दिखा क्या, ये सारी फ्रूटिंग वाली ब्रांचेस हैं। तो इसमें भी दोस्तों दो तीन तरह की लौकी है, गोल भी है और इस तरह से थोड़ी मोटी और लंबी होती है। तो ये हमारी लौकी इधर उधर भटक रही है बेचारी। देखिए, इसके ब्रांचेस इधर उधर जा रहे हैं। तो जब तक इनको सही सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक इनकी फ्रूटिंग सही नहीं हो पाएगी। तो आज हमको इसी में ही काम करना है। इनको हम चढ़ाएंगे छत पर, ताकि छत में हमने बनाया है फैलने की जगह। अब आप ये देखिए, बाउंड्री में ये खूब फैल चुका है। कितना फैलेगा बाउंड्री में, इधर से उधर करती हूँ, उधर से उधर करती हूँ, एक लाइन उधर जाता है, फिर मोड़ती हूँ तो इधर जाता है, तो कितना ये घूमेगा। चलिए, मैं उधर से भी पीछे से भी दिखाती हूँ आपको। पीछे नहीं, सॉरी, हमारे इधर से पीछे होगा, लेकिन वो है फ्रंट। तो किस तरह से फ्रूटिंग करना चाह रहा है, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल रही है। तो आज इसमें हमको करना है काम। ये देखिए, किस तरह से इसकी ब्रांचेस जो है इधर, ये तमाम ऐसे फैल रही हैं और इनमें फ्रूटिंग भी होना शुरू हो गया है। मैं नज़दीक से जाकर आपको दिखाऊंगी, और गाड़ी के उस तरफ पीछे भी। ये देखिए, ये यहाँ गाड़ी के नीचे तक घुस रहे हैं ये इनके जो ब्रांचेस है। तो ये गाड़ी के नीचे थोड़ी फ्रूटिंग करेगा दोस्तों, इसको सही जगह देनी होगी। अभी देखिए, ये फल वाले इसमें निकलने शुरू हो गए हैं। कहाँ गया रे, ये देखिए इस तरह से। और मैं आपको दिखा रही हूँ, गोल वाला भी कहीं होगा। ये देखिए, तो ये सारे गोल वाले और ये सारे फ्रूटिंग करने शुरू कर दिए हैं। तो अगर इनको हम सही जगह नहीं देंगे, तो इसी तरह से ये भटकते रहेंगे। इधर है दोस्तों पोई, कई बार लोग ले भी जाते हैं पोई को, पोई बहुत अच्छा लगता है। अब वो देखिए, वो उसने मेरे को नहीं देखा, तो अब वो जो है बैं बैं कर, अभी शांति से बैठा था दोस्तों, उसको लगता है कि मैं माँ हूँ उसकी। अरे मैं माँ नहीं हूँ, उसको बार बार बताती हूँ कि मैं तेरी देखभाल करती हूँ, ना कि मैं तेरी माँ हूँ। तो दोस्तों, इस तरफ से ना करेले लोग ले जाते हैं। तो अभी मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं तोड़ लेती हूँ, मैं ले जाती हूँ, है कि नहीं। देखिए ये, तो इस तरह से यहाँ करेले भी हैं। लेकिन होता है ना दोस्तों कि मतलब क्या बोलते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को दबाती है, या शोषण होता है। तो अब जैसे ये करेले के पत्ते छोटे होते हैं, ये पौधा इसका थोड़ा नाजुक होता है। अब लौकी इससे हैवी होती है, तो उसको किस तरह से कवर कर ली और किस तरह से दबा दी, और सिर्फ मैं दिखूंगी, मैं रहूंगी। तो अब आप देख लीजिए। तो दोस्तों, नेचुरल भी, मतलब आप रोज़मर्रा के जीवन में भी आप देखेंगे तो लोग दबाते हैं, जो थोड़े से पद में ज़्यादा हो गए या कुछ ऐसा हो गया तो वो दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, सदा कुछ नहीं रहा है, सब ख़त्म होना है। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए, बस आप खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। दोस्तों, मैंने गलत बोला था कि बड़ी मछली दो छोटी मछली को दबाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपको निगल तो नहीं पाएंगे। हाँ, आपको नुकसान तो पहुंचाया जाता है, पर क्या करेंगे, जाने दीजिए, ईश्वर सजा देगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपने पेड़ पौधों के साथ खुश रहिए, है कि। ये देखिए, ये आपकी आंखों के सामने इतने सारे हमने करेले तोड़े हैं, जबकि पूरे नहीं तोड़े हैं। तो दोस्तों, ये ले ली हमने सब्जी सांभर के लिए, और अब हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। और इस तरह से भाजियां उगाइए और भाजियां खाइए और स्वस्थ रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी अगर इस तरह की आप भाजियां खाते हैं। कितनी सुंदर लग रही है, आप देखिए, तो आप देखिए, आप खुद देखिए, कितना सुंदर।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करती रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए, और इस तरह दो चार चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए चंदू को, देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए, अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।